पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश के युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए सरकार भले ही भरसक प्रयास कर रही है। नशा मुक्ति जैसे अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने की कोशिश में सरकार लगी है। इसके बावजूद भी नशे के कारोबार धड़ल्ले से हो रहे हैं। अब मुरादाबाद जनपद का थाना मझोला नशे के कारोबारियों का अड्डा बन चुका है, जहां पर छात्रों से लेकर युवाओं तक सभी को नशे की लत लगाकर उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है। आए दिन क्षेत्र के लोगों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। युवाओं को चरस स्मैक जैसे नशे न मिलने के बाद अब युवा मेडिकल स्टोर से नशे के इंजेक्शन खरीदकर अपने नशे की लत को पूरा कर रहे हैं। पुलिस आए दिन छापेमारी की कार्रवाई करके छोटे नशेबाजों को पकड़कर जेल भेजकर खाना पूर्ति की कार्रवाई करती है, जबकि ये नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के पास ऐसे मामलों में कार्रवाई को लेकर कोई खास योजना नहीं है, इसी कारण ये बेखौफ काम किया जा रहा है। मझोला थाना की मंडी समिति चौकी क्षेत्र में सुबह होते ही नशे का कारोबार शुरू हो जाता है। आजकल नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नशे के इंजेक्शन खुलेआम गली मोहल्लों तक आसानी से बिक रहे हैं। मुरादाबाद थाना मझोला के मंडी समिति चौकी क्षेत्र में नशे के इंजेक्शन खुलेआम बिकते हैं। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद भी पुलिस इस पर कोई रोक लगाने में कामयाब नहीं हो रही, या फिर यूं कहें कि पुलिस कोई मशक्कत नहीं करना चाहती। नशे के शिकार 10 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवा हो रहे हैं। इस मामले में हालांकि पुलिस को जानकारी सब है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नशे के कारोबारियों पर कोई लगाम कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है। काफी समय से यहाँ पे इंजेक्शन का बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है और यहाँ पे समय पड़ा रहता है। आए दिन मोहल्ले में चोरी, लूट, खसोट और बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं ये लोग। रातों को चोरी करते हैं, चलती फिरती महिला को कुंडल खींचना, पैसे छीनना। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी गली में ही इन्होंने चोरी कर दी, मेरे बड़े भैया के सास के यहाँ से मोबाइल वोबाइल सब ले गए। एक अभी एक सनम लड़का है, उसके घर पर भी इन्होंने चोरी की और बड़ी मात्रा में कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। इससे आय की नस्लें खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं ये। अच्छा, इन्होंने बताया कि यहाँ बेचते हैं यहाँ पर या सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं? इन्होंने बताया कि यहाँ पे खरीदने वाले भी आते हैं और बेचने वाले उससे ज्यादा मात्रा में आते हैं। यहाँ पे 10-15-20 लोग ऐसे हैं कि वो मंडी लगाए बैठे हैं यहाँ पे। उन पे बैठा है, उस पे बैठा है, उस पे बैठा है। परेशानी पड़ी है, इसको कवाड़ी वाले सभी हम यहीं आवे हैं। क्या होता है, कभी पुलिस से शिकायत की है मोहल्ले के मोहल्ले वालों ने सबने करी? हाँ, तो फिर भी ना मानते, दो तीन फिर पुलिस वाले कई फिर पकड़ के परसों पकड़ के मारा है ना, तो दो को फिर भी भाग गया, फिर भी ना मानते, रोज आ रहे जा रहे। अच्छा, डेली का यही काम है? यहाँ तुम ट्रेनिंग देख लो कितनी पड़ी। तो यहाँ बेचा जाता है यहाँ, यही करते हैं? आने वाले भी आते हैं, बेचने वाले भी आ जाते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।